हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मसाला रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और विंटर्स में ये रेसिपी बनाना तो बनता ही है, क्योंकि विंटर्स में मटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, फ्रेश मिलते हैं और अच्छे रहते हैं, विंटर्स में खाने ही चाहिए। तो आज हम बनाएंगे मटर मसाला की सब्जी, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर आज हम विंटर स्पेशल मटर मसाले की रेसिपी देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा वाला ब्लेंडिंग जार ले लिया है। इसमें मैं इस तरह से रफली चॉप किए हुए दो मीडियम साइज के प्याज जो है वो लिए हैं मैंने। तो इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। ये प्याज जो है हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और थोड़ी सी तीखी बनेगी ये सब्जी। तो ये सब्जी जो है हम भाकरी, रोटी, नान और राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज का टमाटर लिया है। टमाटर जो है इसकी मैंने इस तरह से स्किन जो है वो निकाल ली है। इस तरह से अगर हम स्किन निकाल कर टमाटर यूज करते हैं तो इससे हमारा जो कुकिंग टाइम है वो भी बचता है, और टमाटर की स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी जो है वो जल्दी से पचा नहीं पाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो पचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस टमाटर की स्किन में। तो इसलिए हमें हमेशा ही टमाटर की स्किन जो है वो उतार कर ही इस तरह से यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टमाटर की स्किन उतार कर एक बड़ी साइज का टमाटर इस तरह से रफली चॉप करके लिया है। ये भी हम यहाँ पर ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और तीन हरी मिर्च ये सब हम डालकर अच्छे से पीस लेंगे। मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो बनाकर रेडी रखती हूँ मैं हमेशा ही। तो मैं अभी इस सब्जी में जो हूँ मटर मसाला में अदरक लहसुन की एक चम्मच पेस्ट डालने वाली हूँ। अगर आपके पास पेस्ट बनाकर रेडी नहीं है तो यहाँ पर लगभग एक इंच का अदरक का टुकड़ा हमें डालना है और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालनी है। तो अब ये मसाला जो है मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से पीस ली है। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करकर कढ़ाई चढ़ा देंगे और लगभग 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म होने देना है। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच राई ली है, राई डाल देंगे और राई अच्छे से फूलने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा भी हमें अच्छे से फूलने देना है। उसके बाद जो मसाला हमने पीस लिया था वो मसाला और अदरक लहसुन की पेस्ट हम इस तड़के में डाल देंगे और इसे लगभग 2 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ही पकाना है। जब तक कि मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ने ना लगे तब तक हमें ये मसाला जो है वो पकाना है। अब हम ये मसाला जो है बिल्कुल ड्राई होने तक भून लेंगे, इसमें से ऑयल सेपरेट होने तक। तो यहाँ पर अभी ये मसाला भूना नहीं है, कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे ये मसाला अच्छे से भूनना है। तब तक हम इसमें ये जो करी लीव्स है, इस तरह से सूखे हुए करी लीव्स हमेशा ही मैं घर में रखती हूँ, तो कुछ करी लीव्स हम इसमें मिला देंगे। ये मटर मसाला की जो सब्जी है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनती है, तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने इसे जो है घर का टच देने की कोशिश की है, जिससे कि ये होटल जैसी तो ये सब्जी बनती ही है, बट कुछ चीज़ें अगर हम इसमें हम घर में जो सब्जियों में चीज़ें मिलाते हैं वो मिलाते हैं तो इसका जो घर का जो सौंदापन होता है वो भी इसमें आता है और बहुत ही टेस्टी ऐसी हमारी सब्जी बनकर रेडी होती है। यही नहीं, कोई भी सब्जी अगर हम बहुत ही मन से और अच्छे दिल से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो बिल्कुल होटल जैसे ही सब्जियां, रोटी सब हम घर पर ही बनाकर हमारे घर के लोगों को खिला सकते हैं और वो भी हेल्दी वे से। तो इस तरह से मैं ये मसाला जो है वो अब भून लेती हूँ पूरा ड्राई होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला जो है अच्छे से ड्राई हो गया है और इस तरह से साइड में ऑयल छूटने लगा है।
तो अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, डेढ़ टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये सब हम एक साथ कर लेंगे। एक मिनट तक हमें ये लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है कंटिन्यूअसली चलाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मसाले जो है अच्छे से एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिए हैं। अब हम यहाँ पर डेढ़ टेबल स्पून जो चना दाल का बेसन होता है, बेसन वो डाल देंगे। इससे जो है सब्जी में बाइंडिंग अच्छी आती है। ये रस्से वाली सब्जी बनाने वाले हैं, करी बनाने वाले हैं, तो ये सब्जी जो है इस तरह से बेसन डालने से अच्छे से बाइंड होती है और टेस्ट भी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार फिर से हम ये बेसन, डेढ़ टेबल स्पून बेसन डालकर ये सब मसाला जो है एक मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला जो है अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी ताजे जो मटर होते हैं वो डाल दूंगी। एक कटोरी ये मैंने मटर लिए हैं, ताजे मटर, और इसी के साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है और ढक्कन डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो इससे मटर जो है वो थोड़े से श्रिंक हो गए और यहाँ पर हमने ताजे मटर लिए हैं तो ये थोड़े से पकने में टाइम लेते हैं, तो ये एक स्टेप करने से जल्दी से मटर जो है वो पक जाते हैं। तो अब मैं इस पर ढक्कन डालकर इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लूंगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार फिर से ये सब्जी जो है वो चला लेंगे और इसमें हमें कितनी तीखी ये सब्जी चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है। तो इस तरह से हम जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं इसके लिए हमें हमेशा ही गर्म पानी का यूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कैटल में पानी गर्म कर लिया था। तो हमें किस तरह से कितनी थिक सब्जी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालना है। तो हम रोटी के साथ ये सब्जी खाने वाले हैं तो इतनी थिक ये सब्जी इनफ है। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डालकर ये सब्जी बना सकते हैं। इसी तरह से सूखी भी आप ये और 5 मिनट तक थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेंगे तो ये सूखी जो मटर मसाला है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से ग्रेवी वाला भी अच्छा लगता है। तो अब हम ये पानी डालकर सब्जी जो है 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन डालकर पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मटर मसाला सब्जी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे बस एक साथ कर लेंगे और हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। टेस्टी हेल्दी ऐसी ये सब्जी बनकर रेडी होती है, बिल्कुल होटल जैसी ही टेस्ट होती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और बहुत ही टेस्टी होती है। इस तरह से सब्जी आप अगर घर पर बनाओगे तो आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।